जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? आप सब लोगों का ठीक ठाक है? अच्छा, आज के इस सेशन के अंदर कुछ थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे हम लोग रिसोर्सेज के ऊपर, जिस तरह टाइटल में ही मैंने लिखा है कि कुछ चंद एक कड़वी हकीकतें आज डिस्कस करेंगे जो हमारे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग से स्टूडेंट निकलते हैं उनको दरपेश आती हैं, उसके बारे में आज का ये सेशन है। मैंने जिस तरह लास्ट वीक एक सेशन किया था और उसमें मैंने पोस्ट भी लगाई थी कि हम लोग कुछ हायरिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास तकरीबन कोई 32 से 35 के करीब कैंडिडेट्स आए थे इंटरव्यू के लिए। वॉक इन इंटरव्यू था, ये ओपन डे सेशन था सैटरडे को। तो उसके जो पूरे का पूरा सेशन हमने कंडक्ट किया 4-5 घंटे का, उसमें जितने लोग भी इंटरव्यू करने आए, इंटरव्यू देने के लिए आए, एक चीज़ कॉमन थी उसके अंदर, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो थे वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग से फारिग होने के बाद जॉब की तलाश में थे। अब ये मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ हुई क्योंकि मैं खुद भी एक ट्रेनर हूँ, मेरे भी 3-4 बैच अभी तक जो है फ्री हो चुके हैं, लेकिन मेरे लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी कि बहुत बड़े बड़े नाम ट्रेनिंग के अंदर जिन्होंने काफ़ी अरसे से ट्रेनिंग करवा रहे हैं और अच्छा खासा उनका नाम है, काफ़ी स्टूडेंट्स उनके ऑलरेडी मार्केट में काम भी कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे लिए सरप्राइजिंग इस वजह से था कि ज़्यादातर बच्चों ने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की हुई है, उसके बाद कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है अभी तक उनका। किसी को 2 महीने हो गए, किसी को 4 महीने हो गए, किसी को 6 महीने हो गए हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करने के बाद बैठे हुए हैं। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों है, क्यों आप लोगों ने अभी तक जॉब नहीं की या आप लोगों को जॉब अभी तक क्यों नहीं मिली, तो ज़्यादातर का उनमें से ये बोलना था जी कि जो ट्रेनिंग में चीज़ें हमें सिखाई गई हैं उसमें, और जब हम बात इंटरव्यू के लिए जाते हैं या जब हम किसी एजेंसी के साथ या किसी इंडिविजुअल के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, दोनों में काफ़ी तजाद है। अब ठीक है, मैं खुद भी जिस तरह मैंने बोला कि मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ, ट्रेनिंग के अंदर हम कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा एलेबोरेट भी करते हैं, लेकिन बहुत सारी मार्केट में इस वक्त जो ट्रेनिंग बिक रही है माजरत के साथ, वो मंजन सेलिंग वाला चक्कर है। ऐसी बड़ी बड़ी शीट्स आपको दिखाई जाती हैं, ऐसे डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं जो कि रियलिटी के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जब आप फील्ड में आते हैं, आके आप काम करने लगते हैं, तो पता चलता है ये चीज़ें तो सिर्फ किताबी हद तक था। जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटीज़ करती हैं कि आपको 14-14, 15-15 साल की फॉर्मल एजुकेशन देती हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जाते हैं तो उस एजुकेशन का उसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं होता, कोई तालमेल ही नहीं बनता। तो यही कहानी माजरत के साथ हमारी इस अमेजोन की जर्नी के अंदर भी स्टार्ट हो चुकी है। बच्चे आते हैं, कोर्स के अंदर इनरोल होते हैं ये ख्वाब लेके कि यहाँ से हम कोर्स से निकलेंगे तो कुछ दरख्तों के ऊपर कुछ पत्ते की जगह पे डॉलर और पाउंड लगे हुए हैं वो हम खींचना शुरू कर देंगे और हमारे पास डॉलर पाउंड आ जाएंगे, ये भी गलत एक्सपेक्टेशन है। ऑन द अदर हैंड, गोरों की कुछ कोर्सेज की थ्योरी उठा के ट्रेनर्स ने भी यहाँ पे दे तेरे की दे मेरे की करना शुरू कर दिया, कोई तालमेल नहीं है, कोई उसका सिंक नहीं है जो ट्रेनिंग में करवाया जाता है और जो प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर चीज़ें हो रही हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। ट्रेनर्स भी बस इसी तरह से ही चला रहे हैं, वो उनको क्या है, उनको अपना बैच खत्म करना होता है, पैसे लिए होते हैं, पैसे लेने के अगेंस्ट उनको सिर्फ अपना बैच खत्म करना होता है। ना सिर्फ वो ये देखते हैं कि भाई जो सारा कुछ हमने कर रहे हैं या जो जितना पैसे लिए हैं उसके अगेंस्ट हम दे क्या रहे हैं, वैल्यू क्या दे रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं यहाँ पे लूंगा, लेकिन बहुत बड़े बड़े नाम, अब जिस तरह आजकल ड्रॉप शिपिंग के अंदर को पिछले 6 महीने से एक बहुत बड़ा नाम है जिसने इस वक्त पूरी मार्केट के अंदर तहलका मचाया हुआ है, मेरे अपने छोटे भाई ने लिया, मेरे एक और दोस्त ने उनका कोर्स लिया, सिर्फ वो रद्दी के पेपर के अलावा कुछ नहीं है उस कोर्स के अंदर। मतलब वो कोर्स करने के बाद आप इस काबिल भी नहीं हो सकते कि आप ड्रॉप शिपिंग को परसू ही करना चाहिए, उसके आगे मजीद देखना चाहिए, बिल्कुल बेसिक लेवल का नॉलेज उसके अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है, जबकि नाम मार्केट का इस वक्त सबसे बड़ा नाम है ड्रॉप शिपिंग के अंदर। इसी तरह होलसेल की ट्रेनिंग के अंदर भी यही चल रहा है, प्राइवेट लेवल की ट्रेनिंग के अंदर तो बहुत ज़्यादा कचरा हो गया हुआ है। बहुत सारे ऐसे ट्रेनर आ गए हैं जिन्होंने कुछ शीटें तो डाउनलोड कर ली लेफ्ट राइट से उठा के, उसमें मुख्तलिफ नामों से शीटें भी चल रही हैं, मुख्तलिफ नामों से फिर उनकी कुछ थ्योरीज उन्होंने अपनी बना ली, जी ये मेरी थ्योरी है, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं, सारा कॉन्टेंट गोरा ग्रुप से आ रहा है। मैं ज़ाती तौर पर जो ट्रेनिंग कराता हूँ, मैं तो बड़ा खुल के बोलता हूँ कि भजन अपना कुछ नहीं है, जो है गोरा ट्रेनिंग से उठाया हुआ है, सारा का सारा वहाँ का मटीरियल है। लेकिन फ़र्क कहाँ पे आता है कि मैं जो ज़ाती तौर पे ट्रेनिंग करवाता हूँ, जो भी उसके अंदर कोर्स आउटलाइन होती है या जो भी बुलेट पॉइंट्स हम वहाँ से लेते हैं, लेकिन उन सारी के सारे बुलेट पॉइंट्स या कोर्स आउटलाइन को हमने इम्प्लीमेंट किया है अपनी एजेंसी के अंदर, प्रैक्टिकली 60-70 लॉन्चों के ऊपर वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के बाद हम उनको दिखाते हैं।
तो मैं कोशिश मेरा मेरी हमेशा यही होती है कि जो भी चीज़ डिस्कस की जाए वो हो जो मैंने खुद अपने हाथों से की हुई है या मेरी टीम ने अपने हाथों से की और हमारे पास उसकी प्रॉपर एक बैकिंग हो। अब इस तरह से जब आप ट्रेनिंग करके आएंगे मार्केट के अंदर तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपने रियलिटी बेस्ड चीज़ों के ऊपर बात की होगी, आपने वो चीज़ें देखी होंगी जो हो रही हैं और जो कोर्स में पढ़ाई जा रही हैं। ऑन द अदर हैंड, बड़े बड़े जो है बोल बोल के ट्रेनिंग में स्टूडेंट को इनरोल कर लिया, उसके बाद आगे बच्चों को लगा दिया, चलें जी आप अब इनकी ट्रेनिंग्स करवाएं। अब जब वो ट्रेनिंग करा तो उस बच्चे ने खुद अभी 6 महीने पहले बेचारे ने अमेजोन के स्पेलिंग सीखे हैं, तो वो किस तरह से ट्रेनिंग करवा पाएगा? ठीक है, यहाँ मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर्स भी मार्केट में मौजूद हैं जिन्होंने अच्छे लेवल पे स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनके स्टूडेंट्स इस वक्त जेन्युइनली बहुत अच्छा कमा भी रहे हैं, और कमाने के साथ साथ उनके स्टूडेंट्स इस वक्त बहुत अच्छे लेवल पे एक्सपर्ट हो चुके हुए हैं। तो अच्छे बुरे हर जगह पे बैठे हुए हैं। अब इसमें वापस आते हैं, थोड़ा सा जो हमें इशू आया उसके अंदर हायरिंग के दौरान, वो ये था कि बच्चों के पास सिर्फ वो रटे रटाई 4 लाइनें उन्होंने जो कोर्स में से सीखी थी सिर्फ वही था। उसके अलावा जब उनसे पूछा गया, हाँ जी थोड़ी सी अब प्रैक्टिकल डिस्कशन कर लेते हैं, कुछ आपने 4 6 किसी ने 6 महीने का एक्सपीरियंस शो करवाया हुआ है, किसी ने 2 साल का एक्सपीरियंस, किसी ने साल का एक्सपीरियंस, जब उनसे बात की गई तो किसी के बल्ले कुछ है ही नहीं। अब मैं एक चीज़ में बड़ा हैरान भी हुआ, थोड़ा सा मुझे इस चीज़ पे ताज्जुब भी हुआ कि भाई ये क्या मजाक हो रहा है इस फील्ड के अंदर। अब एक बच्चा आया है, मैं नाम किसी का लेना पसंद नहीं करता किसी भी अपने सेशन के अंदर, किसी की दिल आजारी हो, जेनेरिक सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ। बच्चे का तकरीबन कोई 8 9 साल का करियर था अपनी, जो उसकी डोमेन थी उसके अंदर, उसमें वो हार्डली 70 80 हज़ार को टच कर पाया 8 9 साल के बाद, जो कि समझ भी लगती है कि एक रियलिटी बेस यही है, एक प्रैक्टिकल मार्केट का जो एवरेज सैलरी ब्रैकेट है वो यही है। 8 9 साल में 70 80 हज़ार पे पहुंचा, ठीक है। अब उस बच्चे ने 6 महीने पहले अमेजोन की जर्नी के अंदर कदम रखा, डिमांड मुझसे क्या कर रहा है? $1,000। तो जब मैंने उनसे पूछा, भाई डू यू रियली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ $1,000, यू आर टॉकिंग अबाउट 175,000 रुपीज, आप अपने 9 10 साल के करियर में 1 लाख को टच नहीं कर पाए, और यहां 6 महीने में जहां आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ एक सिंगल लॉन्च आपने 6 महीने में की है जिसकी आपको बेसिक्स भी नहीं पता, 4 6 सवाल पूछे, भाई साहब को सर्दियों में पसीना आना शुरू हो गया। तो इसी तरह फिर एक और भाई आए, उन्होंने भी इसी तरह 50 से 60 हज़ार रुपया मांग लिया। तो मैंने उनसे पूछा, भाई 60 हज़ार आप मांग रहे हो, इसके पीछे कोई एक्सपीरियंस है आपका? तो उनका कहना ये था जी कि मैं सीखूंगा आपके साथ। तो मेरे लिए बड़ी एक शॉकिंग चीज़ थी, उन्होंने बोला भाई हम तो अपनी ट्रेनिंग्स का 60 70 हज़ार रुपया ट्रेनिंग करवाने का लेते हैं, जहाँ पे लोगों में पे करके हमसे सीखते हैं, और आप 50 हज़ार मुझसे मांग रहे हो कि मैं आपको अपनी एजेंसी में जॉब भी दूँ और आपको सिखाऊं भी, आपको बेसिक नहीं आती अभी। तो थोड़ी सी ज़रा मार्केट के अंदर इस वक्त सिचुएशन ख़राब हुई हुई है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये कोई अच्छा साइन नहीं है, ये कोई बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। स्टूडेंट्स को, जितने भी बच्चे हैं, अगर जेन्युइनली उनको कुछ अर्न करना है या अपना करियर बनाना है तो उनको इस बारे में सोचना चाहिए। अब ये जो भाई पहले आए, ये इंजीनियर थे बाई प्रोफेशन। अब मैं सबसे पहले तो ये सरप्राइज हुआ कि भाई आप 4 लोगों की वीडियोस देख के, बड़े बड़े लोगों के बोल सुन के, जी यहाँ 4 लाख कमाया जा रहा है, 2 लाख कमाया जा रहा है, 3 लाख कमाया जा रहा है, अब अपना 7 साल का 8 साल का करियर छोड़ के आ गए, ठीक है, और आते ही आपने जो है $1,000 की डिमांड शुरू कर दी। कोई यहाँ मजाक थोड़ी हो रहा है, कोई दरख्तों पे थोड़ी लगे हुए हैं भाई। आज हम अगर क्लाइंट से $1,000 मांग लेते हैं तो वो ना को चने चबवाता है भजन, लकीरें निकलवाता है नाक की, उसके बाद $1,000 देता है, और उसके बाद भी हर महीने जस्टिफाई करना पड़ता है कि वाई वी आर चार्जिंग $1,000। तो ये सिर्फ कहानियों की हद तक बहुत अच्छी लगती हैं ये बातें, लेकिन रियलिटी कुछ और है, मार्केट की रियलिटी कुछ और है भजन। आप आए तो सही, फील्ड के अंदर देखे तो सही कि किस भाव बिक रही हैं चीज़ें। अब वो कल एक बहुत बड़ी एजेंसी से एक बच्चा आया हुआ, ठीक है, आते ही उसने सबसे पहले उस पुरानी एजेंसी की प्रोडक्ट का नाम मेरे सामने रख दिया। जैसे ही मेरे सामने, मैंने कहा जी बताइए कुछ अपने बारे में, अपने बारे में तो उन्होंने क्या बताना था, वो एजेंसी के ऑनर का नाम, एजेंसी के पोर्टफोलियो, कौन कितने पैसे ले रहा है, क्या कर रहा है। अब मेरे लिए वो शॉकिंग न्यूज़ थी, मैं तो उस बच्चे को लताड़ा थोड़ा सा, मैंने कहा भाई आज आप, और वो माजरे के सौ वो आगे मेरे जानने वाले थे जिनकी वो एजेंसी है, मैंने कहा आज आप उनका नाम मेरे सामने ले रहे हो, कल को मेरी एजेंसी का पोर्टफोलियो जाके आप कहीं पे भी उसके कपड़े उतार कर रख दोगे। तो थोड़ा सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, ये कोई फन टाइम नहीं है, इट्स अ हाई टाइम, एक बड़ी मेच्योरिटी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड के अंदर, इसके पीछे 2 3 4 साल की मेहनत है,
हजारों लोगों की। कोई क्विक रिच स्कीम वाला चक्कर नहीं है। अगर किसी के दिमाग में ये कोई फतूर चल रहा है इस तरह का कि जी हम आएंगे, आने के बाद 2-4 महीने लगाने के बाद हम लूट लेंगे मार्केट को, ऐसा नहीं होता भाई। जिसने आपको पैसे देने हैं उसने आपसे सवाल भी पूछने हैं, आपको उनके जवाब भी देने पड़ेंगे। और अगर आप ये समझते हैं कि आप सनियली को कॉपी कर लेंगे और ये बोलेंगे कि भाई अपने रिफंड ले लो, दैट्स नॉट पॉसिबल। सनियली एक ही है, एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा, ठीक है। सारे सनियली नहीं बन सकते, सारों के पास सनियली का स्ट्रक्चर नहीं है। वो सनी भाई ने जो मेहनत करनी थी कर ली, अर्ली मूवर एडवांटेज उनके पास था, है और रहेगा, वो हो गया उनका। आप लोग जरा थोड़े होश के नाखून लीजिए। उतना बड़ा जब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, जनरली वी विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू से कि जी मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, आप मुझसे पैसे रिफंड ले लें। कितनों को रिफंड करेंगे भाई आप, ठीक है। इवन गोरा आपसे पूछता है, गोरे ने जिसने आपको पैसे देने, वो भी आपसे सवाल पूछेगा, आपसे देसी भी सवाल पूछेगा, आपसे अरब भी पूछेगा, आपसे यूरोपियन भी सवाल पूछेगा, और आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो यू वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री। ये कोई मतलब दूसरी इंडस्ट्री से डिफरेंट नहीं है। जो आपने काम करना है जेन्युइन तरीके से कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए। आप अपनी एक स्ट्रेंथ बनाइए, ना कि अपने सिर्फ ये 2-4-6 महीने के साथ कोर्स लगा लेने से। आप एक भाई साहब आए, उन्होंने 3 जगह के 3 एजेंसीज के कोर्स मुझे गिनवा दिए। अपनी CV पे बड़े बड़े लिखे हुए हैं जी, इन साहब का भी कोर्स किया, इन साहब का भी कोर्स किया, इन साहब का भी कोर्स किया। मैंने कहा यार बहुत अच्छा लगा भाई सुन के कि आपने इतने लोगों का कोर्स लिया हुआ है, माशाल्लाह आपके पास तो बहुत नॉलेज होगा। अब भाई को सिर्फ एक बेसिक सवाल दिया कि भाई ये $20,000 है, पेपर पे लिखा उसको $20,000 है, इसमें प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, मुझे बताएं इसके क्या स्टेप्स होंगे, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होगी। एक सिंगल आंसर नहीं कर पाया। आए शायद भाई ना ये पता 20,000 को किस तरह से डिवीजन होगी, उसकी इन्वेंट्री पे कितने खर्चूंगा, आपकी जो मार्केटिंग है उस पे कितने खर्चने हैं, आपके मिसलिनियस एक्सपेंस पे कितने खर्चने, कुछ नहीं पता भाई। कैलकुलेशन करने बैठ गए भाई साहब, 3-4 मिनट दिए उनको, नहीं आंसर कर पाए। क्या फायदा भाई इन सारे कोर्सेस का। आपने एक कोर्स ले ले, वो ये अच्छे से ले ले और उसके बाद अच्छे से प्रैक्टिकल कर ले, तो मेरा ख्याल है वो कोर्स आपके 4 या 5 बड़े नामों के कोर्सों से बेहतर होगा। कोर्स कर लेने से अगर कुछ होता तो हम 17-18 साल की जो फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं हम उसमें साइंटिस्ट ना बन जाते। हम तो सिर्फ वही रट्टू तोते, किताबी कीड़े, वही बन रहे हैं बस, कुछ नहीं है। 1100 में से 1095, 1097 नंबर तो हमारे आ जाते हैं। बच्चे को बेसिक कम्युनिकेशन का ही नहीं पता, बेसिक एथिक्स का ही नहीं पता, ठीक है। अब अलहमदुल्ला जो मैंने 5 फाइनल किए हैं कैंडिडेट्स, मेरे नज़दीक ये मेरे नाकिस राय के मुताबिक दे आर वन ऑफ द बेस्ट। 35 में से अगर 5 लोग मैंने रखे हैं तो उनमें मुझे कुछ तो नज़र आया होगा जो मैंने उनको रखा है। और कुछ जाहिर है हायरिंग का एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होता है जो कि हमने सब कैंडिडेट्स को रिस्पेक्टिव के किसका कितना एक्सपीरियंस, उस हिसाब से उनसे पूछा। उस क्राइटेरिया पे जो अच्छा फॉल किया उसको हमने आगे जो है फर्दर उसके साथ क्वेश्चन आंसर किए, जो नहीं कर सके उनको हमने वहीं पे ड्रॉप कर दिया। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे थे बीच में जिनके पास वाकई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बेसिक मिस्टेक्स की, जिस तरह मैंने ये कहा जिस बच्चे का कि जिसने आते ही मुझे अपनी दूसरी एजेंसी का सारा बता दिया, ही वॉज गुड गाय, ठीक है, ही वॉज हैविंग बेसिक नॉलेज ऑल्सो, मतलब उसको ट्रेन करना मेरे लिए इट वॉज नॉट अ डिफिकल्ट जॉब, लेकिन जो उसके एथिकल वैल्यूज थी उनको चेंज करना शायद मेरे लिए भी मुमकिन नहीं है। तो दैट वॉज द मेन रीजन कि आई हैव नॉट डिसाइडेड टू गो विद दैट कैंडिडेट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसके ऊपर और भी सेशन करता रहूंगा। ऑलरेडी काफ़ी सेशन इस पर पहले भी मैंने बड़ी दफ़ा बात की है, जहाँ कहीं गैदरिंग में भी मौका मिलता है तो मैं इस चीज़ को इस कंसर्न को रेज करता हूँ कि भाई देखिए इनकम को कैप मत कीजिए। अनलिमिटेड देखिए, ख्वाब आपका $1,000 नहीं, मैं कहता हूँ आपका $10,000 ख्वाब होना चाहिए। और ये जो ख्वाब की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने ये ख्वाब देखे थे और आज अलहमदुल्ला उनके पूरे हो रहे हैं। हम बहुत सारे सीनियर्स ऐसे हैं जिनके ये ख्वाब पूरे हो रहे हैं, हम लोग अच्छे अर्निंग्स कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी नए फ्रेश बच्चे के जहन में ये बात बैठ गई है कि जी ये तो अभी साल पहले या 6 महीने पहले इसने स्टार्ट किया था और ये $1,000 कमाने लग गया, वो $2,000 कमा रहा है, वो $4,000 कमा रहा है, मैं क्यों नहीं कमा रहा, तो ये गलत फहमी है आपकी। ये जितने सीनियर्स की आप सुनते हैं इनमें से एक दो का छोड़ के बाकी सबका सर 10-10, 15-15 साल के करियर हैं। मैं 2006 में पहली दफा ई कॉमर्स की ट्रांजेक्शन की थी। आई स्टिल रिमेंबर द सेम ट्रांजेक्शन जो मैंने 2006 में की थी। 2006 से आज तक इस इंडस्ट्री को मैंने छोड़ा नहीं। 2006 से 2016 तक एज ए पार्ट टाइम इस फील्ड को लेके चलता रहा। 2016 से अभी 2022 में हम बैठे हैं, फुल टाइम ये मेरा ब्रेड एंड बटर है।
ठीक है, मेरा ब्लड स्वेट हर चीज़ इसी इसी बिजनेस में लगती है। मैं उठते बैठते सुबह शाम दोपहर रात इसी के बारे में सोचता हूँ। ठीक है, मेरे पास अगर 20 22 25 लोगों की टीम है तो वो सारे इसी डोमेन से रिलेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बिजनेस कुछ और कर रहा हूँ, यहाँ पे तफरी के टाइम पे आ गया और हज़ारों डॉलर कमा लिए। नहीं, अगर ये हज़ारों डॉलर हम तक पहुँचते हैं तो उन हज़ारों डॉलर के स्टेक होल्डर्स भी हैं हमारे पास, कि 20 25 लोगों के जो नसीब मेरे साथ जुड़े हैं, उसके अलावा जो और थर्ड पार्टीज हमारे साथ कनेक्ट हैं जो कि इन हाउस नहीं है, आउटसोर्स टीमें हैं हमारी, ये सब लोगों का नसीब जुड़ के हम इस कलेक्टिव एफर्ट के बाद हम इस लेवल पे पहुंचते हैं। तो प्लीज इसको थोड़ा सा ज़रा सीरियस लीजिए आप लोग, इसको क्विक रिच स्कीम मत समझिए। ये एक लेजिटिमेट बिजनेस है, एक प्रॉपर फील्ड है, ये सीखने के बाद ही की जा सकती है। बगैर सीखे फिर ऐसा ही होगा, मेरी टेबल पे किसी और का कोर्स, किसी और की टेबल पे मेरा कोर्स, और हम आपस में एक दूसरे को ही देखते रहेंगे कि भाई ये चल क्या रहा है। तो कोर्स करवाने वाले भी थोड़े होश के नाखून लें, कोर्स करने वाले भी थोड़े होश के नाखून लें, थोड़ा देख लिया करें कि जो बंदा आपको कोर्स करवाने जा रहा है उसने अपना क्या खुद क्या किया हुआ है। भाई 90% इस वक्त कोर्स करवाने वाले या जो सो कॉल्ड सीनियर्स हैं, एक सिंगल पेनी नहीं लगी हुई भाई किसी की अपनी। लोगों के सर के ऊपर जो है लॉन्चिंग कर रहे हैं, वो लॉन्च बर्बाद हो या फेल हो कुछ भी हो फर्क थोड़ी पड़ता है। जब आपके अपने पैसे लगे हों सर, अपने पैसे डूबे हो ना, उसके बाद एहसास होता है, उसके बाद तकलीफ होती है, उसके बाद ये जो मेरी आवाज़ में दर्द नजर आ रहा है ये उसके बाद होता है जब आपने 4 पैसे गवाए भी हों। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बनाए भी बहुत हैं लेकिन गवाए भी हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल करके सीखा है तो इस चीज़ को थोड़ी देख लिया करें आप। डिजिटल मीडिया का दौर है, कुछ चीज़ छुपने वाली तो है नहीं, तो आप लोग इस चीज़ को थोड़े ज़रा वेटिंग कर लिया करें अपने तौर पे, कि जिसको ज्वाइन करने जा रहे हैं उस एजेंसी की वर्थ क्या है, जिस कोर्स को ज्वाइन करने जा रहे हैं कोर्स कराने वाले भाई साहब की अपनी भी कोई वर्थ है या नहीं है, या सिर्फ कहानियाँ ही बेच रहा है बस, लेफ्ट राइट से कहानी उठाई। कहानी बेचना देखें कोई मसला नहीं है, कहानियाँ मुझे भी अच्छी आती हैं बेचनी है, और आप लोगों को हो सकता है मुझसे भी अच्छी बेचनी आती हो। मेन चीज़ कहानी नहीं है, मेन चीज़ है दे क्या रहे हैं आप, कॉन्टेंट क्या दे रहे हैं, क्या वो कंटेंट रियलिटी बेस्ड है या सिर्फ कहानियां ही हैं, इधर उधर से डाउनलोड किया हुआ मटेरियल ही है। तो इस चीज़ के ऊपर मेरा ख्याल है थोड़ा सा ज़रा आप फोकस किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बनिस्बत के हम स्ट्रेट अवे सिर्फ सीधा सीधा जाएं जाके कहानियां सुनने के लिए। अगर हमने 70 80 हज़ार रुपया देना है और उसके बाद फिर हम ये सोच रहे हैं कि हमें आप कोई 1000 डॉलर क्यों पे नहीं कर रहा, कोई नहीं करेगा, ना मैं बेवकूफ़ हूँ ना कोई और आपको हायर करने वाला बेवकूफ़ है। जिसने आपको 1000 डॉलर देना है उसने आपकी वर्थ देखनी है कि आपकी जेन्युइनली वर्थ 1000 डॉलर वाली है। अगर आपकी है तो डेफिनेटली 1000 क्या, फिर आप 2000 भी डिमांड कर सकते हैं आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि 2 4 6 महीने के कोर्स कर लेने से और दो दो तीन तीन कोर्स के टैग ले लेने से और सिर्फ A4 के पेपर के ऊपर 6 महीने लिख देने से अगर आपका 6 महीने का एक्सपीरियंस होता तो शायद माजरत के साथ आज सारा पाकिस्तानी 1000 डॉलर कमा रहा होता। तो थोड़ी रियलिटी बेस्ड चीज़ों को देखें और ये देखिए कि जेन्युइनली क्या आप वाकई डिजर्व करते हैं जो आप मांग रहे हैं। अगर तो आप डिजर्व करते हैं तो ज़रूर मांगिए, ज़रूर मांगिए मैं कहता हूँ, और मिलेगा भी आपको। ठीक है, इंटरव्यू में अगर आप जस्टिफाई कर सकते हैं तो बिस्मिल्ला। बस ये थोड़ा सा फीडबैक था जो मुझे सैटरडे के इंटरव्यूज करने के बाद थोड़े से रियलाइजेशन हुई कि भाई मार्केट में तो इस वक्त हवा ही कुछ अलग चल रही है। इस वक्त तो कोर्स करवाने वाले भी जो हैं दुबा के मंजन बेच रहे हैं अपना, और कोर्स लेने वाले जो हैं उनके पल्ले भी कुछ नहीं है। तो ये निज़ाम चल क्या रहा है, मैं तो थोड़ा सा परेशान हुआ सीरियसली इस चीज़ को देख के। तो आप लोग भी थोड़ा सा ज़रा वेटिंग कर लिया करें अपने एंड के ऊपर, कोई मसला नहीं है। जहाँ आप इतना पैसा देने जा रहे हैं, इतना सब कुछ करने जा रहे हैं, अगर थोड़ी सी इसके ऊपर मेहनत कर लेंगे तो मेरा ख्याल है वो आपको फायदा देगी। देखिए, इसमें जो मेरे लिए सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग चीज है वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी प्रोफेशनल लाइफ को छोड़ के इस डोमेन में आना चाह रहे हैं। कोई इंजीनियर है, आप कोई और किसी फील्ड से है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, मतलब बेतहाशा लोगों को मैंने देखा है कि अपनी परमानेंट जॉब्स लगी हुई छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं। किसी का 10 साल का करियर है, किसी का 6 साल का है, किसी का 5 साल का है। भाई अगर आप 5 6 साल में वहाँ कुछ नहीं कर सके ना, तो यहाँ 5 6 महीने में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप कुछ कर पाएंगे। तो अगर आप ये एम लेके आ रहे हैं जी, छः वहाँ 6 7 साल में कुछ नहीं कर पाए, यहाँ 6 महीने में मैं कुछ नया ही इन्वेंट कर लूंगा, कुछ नया कुछ
ऐसा फनकारी लगा जाऊंगा कि जिसमें मुझे हजारों डॉलर आएगा, माजरत के साथ नहीं आएगा, नहीं आएगा। और आप अपने, वो कहते हैं ना, ना उधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे, फिर जो आपका अपना करियर था वो भी जाता रहेगा, और उसके साथ साथ जो उस फील्ड में भी आपकी वापसी बंद हो जाएगी, और इस फील्ड में तो आप वैसे ही कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी 6 महीने में अगर आपने इतने हाई अपने एम रख लिए हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ये। फिर थोड़ा सा अपनी एक्सपेक्टेशन को रियलिटी के ऊपर लेके आइए, चीज़ों को प्रॉपर सीखिए, टाइम लगाइए इस फील्ड के अंदर, उसके बाद ये फील्ड आपको पे बैक करेगी, उसके बाद 110% ये फील्ड आपको पे बैक करेगी, इस चीज़ से मैं गारंटी करता हूँ आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जी 10 12 14 साल की आप अपनी करियर की हिस्ट्री को एकदम अरेज करके यहाँ आके 2 4 महीने में मेरा या किसी और का कोर्स लेने के बाद आप कुछ डॉलरों के अंदर जो है ना नहाने लग जाएंगे, खेलने लग जाएंगे, नहीं होने वाला, ठीक है। रियलिटी यही है, जो मंजन बेचते हैं बेचते रहेंगे, उनका काम ही यही है, वीडियोस में आके आपको मोटिवेट करते रहेंगे, आपको फजूल की ये सारी चमकदार चीजें दिखाते रहेंगे, कोई रियलिटी नहीं है, ठीक है। ग्राउंड में जाने से पहले हर एक को यही लगता है, इस बॉल पे तो 6 मार सकता था, इस बॉल पे तो चौका था, वो जो अंदर खेल रहा है बेचारा उसको तो पूछो, वो बेवकूफ है जो 12 12 घंटे की अंदर जो है प्रैक्टिस करता है पर डे, उसके बाद भी आउट हो जाता है। भाई अंदर ग्राउंड के अंदर जो ग्रीनरी नजर आ रही है, उन ग्रीनरी के नीचे देखें खड्डे भी हैं, उन खड्डों का भी थोड़ा सा जेन में रखें। तो ये है, बस थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन नीचे लेके आइए, ठीक है। रियलिटी बेस्ड काम कीजिए, ये मंजन बेचने वालों से थोड़ा बचिए, थोड़ी वेटिंग कर लिया करें। कोई कोई मतलब मुश्किल काम नहीं है, सिंपल एक बेसिक सी आपने जो है ना रिसर्च कंडक्ट करनी है, उस रिसर्च की बेस पे आपको पता चल जाएगा कौन क्या करवा रहा है, किस कितने पानी में है, किसका क्या कैलिबर है, आपको पता चल जाता है। 4 सवाल जिखे जब आप जॉब के लिए जाते हैं आपसे पूछे जाते हैं ना 10 सवाल, तो भाई जब आप एक बंदे को 50 60 70 हज़ार रुपया देने जा रहे हैं तो आपको भी पूरा हक है, आप भी 4 सवाल पूछ लीजिए, अपनी वेटिंग कर लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा हाँ कुछ हो रहा है इसमें या नहीं हो रहा। तो इसलिए थोड़ा सा ज़रा इसको देखना बड़ा ज़रूरी है मेरे नज़दीक। मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा अगर आप होमवर्क कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, ना सिर्फ आपके पैसे बचेंगे बल्कि पैसे के साथ साथ आपका टाइम भी बचेगा और आपकी एक्सपेक्टेशन भी राइट रहेंगी, आप गलत एक्सपेक्टेशन की तरफ नहीं जाएंगे। ये इस चीज़ की मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आप गलत एक्सपेक्टेशन की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है जी। बस ये क्विक सा सेशन करना था मुझे, जो मेरे माइंड में चल रहा था सैटरडे से कि यार ये कहानी कुछ गलत हो रही है, तो थोड़ा सा आप लोगों से बस बातचीत करने को दिल कर रहा था, तो आई थॉट कि आप लोगों के साथ ये बातचीत कर लीजिए, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह के सेशन आप लोगों के साथ करता रहूँ, ताकि आप लोगों से बातचीत भी होती रहे और दिल की बातें भी आप लोगों के साथ खुल के कर लीजिए, ठीक है जनाब। इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन अल्लाह हाफिज़।